एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल मम्मी की टेस्टी रेसिपीज में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। न्यू रेसिपी बताने से पहले आप लोग जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, पास में जो बेल बटन है उसको ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रिसीव हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का आइसक्रीम, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। और गर्मी में आइसक्रीम किसको अच्छा नहीं लगता खाना। जो हम घर पे बनाएंगे, हम बाहर से नहीं लाएंगे, और बहुत ही आसान तरीके से हम आम का आइसक्रीम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पे 3 आम लिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आम लिया है मैंने। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको, यहाँ देखिए मैंने पैन रख लिया है गैस पर, और मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दूध। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 कप दूध यहाँ पर पैन में रख लेती हूँ। यहाँ पे हम 4 चम्मच चीनी डाल लेते हैं, और इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे चीनी में डाल रही हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और 1/2 कप दूध के बराबर हमें इसे पका के गाढ़ा कर लेना है। यहाँ देखिए हमारा दूध जो अच्छे से उबल गया और गाढ़ा हो गया। तो चलिए मैं यहाँ खुशबू के लिए यहाँ पर मैं इलायची डाल दे रही हूँ। यहाँ मैंने इलायची छिलके रख लिया, और मैंने देखिए यहाँ पर इस तरीके से दूध में डाल दिया। तो हम अच्छे से मिला लेते हैं इलायची को भी। तो चलिए यहाँ पे फाइनली दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, तो मैं गैस ऑफ कर दे रही हूँ। यहाँ देखिए मैंने एक आम ले लिया है, और तो चलिए मैं इसको छिलके यहाँ पे काट लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने आम को काट के और मैंने छोटे पीसेस में यहाँ पे करके रख लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे फटाफट, यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, और जार में हम डाल लेते हैं सारे आम के पीसेस को। यहाँ देखिए हमने जो दूध उबाल के रखा था और चीनी के साथ हमारा ये दूध का मिक्सचर हमने तैयार किया था, तो चलिए हम इसको भी यहाँ पे जार में रख लेते हैं। हम साथ में दोनों को यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट कवर कर। यहाँ देखिए हमने ग्राइंड कर लिया है, और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा बैटर जो है, देखिए कितना यहाँ पे थिकनेस है, कितना गाढ़ा हमारा यहाँ पे ग्राइंड हुआ है। कि हमने आइसक्रीम का मोल्ड लिया है, और मैं इस मोल्ड में हमने जो बैटर हमने तैयार किया था, हम सबको यहाँ पर इस तरीके से 1 by 1 हम फिल करते चलेंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर 1-1 करके फिल कर रही हूँ, हमें सारे यहाँ पर फिल कर लेने हैं। यहाँ देखिए हमने आइसक्रीम मोल्ड को इस तरीके से हमने यहाँ पे बैटर को फिल करके हमने अच्छे से यहाँ पे कर लिया है। और यहाँ पे जो हमारा मोल्ड है, इसको हम कवर कर लेते हैं फॉइल पेपर से, हम अच्छे से यहाँ पे ढक लेंगे इसको। कि हमने यहाँ पे इस तरीके से मोल्ड को हमने यहाँ पे फॉइल पेपर से कवर कर लिया। तो चलिए अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कट कर लेती हूँ बीच में, क्योंकि हमें मोल्ड का जो कवर है ऊपर का, हमें वो लगाना है स्टिक वाला। तो इस तरीके से देखिए हमने मोल्ड का स्टिक ले लिया है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखिए कवर लगा दिया है, और अच्छे से फिक्स हो गया है हमारे फॉइल पेपर में। तो चलिए 1 by 1 मैं इसी तरीके से यहाँ पे सभी को इस तरीके से मैंने सारे यहाँ पे कवर लगा दिए, काफी सुंदर। चलिए मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए। और देखिए हमने अब फ्रिज से हमने बाहर निकाल लिया। देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, और यहाँ पे हम जो अपना मोल्ड है आइसक्रीम का, 2 मिनट के लिए हम यहाँ रख देंगे, जिससे हम यहाँ पे अपना आइसक्रीम जो है हम आसानी से मोल्ड से बाहर निकाल सके। तो चलिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 मिनट हो गया, अब हम बाहर निकाल लेते हैं अपने आइसक्रीम मोल्ड को, और हम निकाल के देख लेते हैं कि हमारी यहाँ पे आइसक्रीम जो है वो कैसी। चलिए अब मैं यहाँ पे निकाल के आपको दिखाती हूँ हमारी जो आइसक्रीम तैयार हुई है, मैंगो आइसक्रीम। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे अपनी, देखिए फाइनली हमारी यहाँ पे मैंगो आइसक्रीम तैयार हो गई है, और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और कितनी डिलीशियस हमारी मैंगो आइसक्रीम लग रही है, जो हमने घर पे बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, बहुत ही कम चीज़ों से बनाई है, और बहुत ही हेल्दी और हाइजीनिक है ये हमारी आइसक्रीम। हमने ना तो इसको बाज़ार से हम खरीद के लाए, आप भी इस तरीके से बनाएं घर पर और बाज़ार से ना ख़रीदें आइसक्रीम, और बच्चों को भी खिलाएँ। मैंगो आइसक्रीम कैसी बनी है ज़रूर आप मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे मैं इसी तरीके से वीडियो लेके आती रहूँगी। अब मैं अपने वीडियो का यहाँ पे करती हूँ एंड, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।